आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके तरफ से पूछे गए दो क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछते हैं सागर ग्राफिक्स, आप कहते हैं प्लीज सर मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बाय डिफॉल्ट यूज ऑफ बाय डिफॉल्ट, यानी आप कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या है, कैसे समझे कि हमें स्पोकन इंग्लिश में कब बोलना है बाय डिफॉल्ट। यह मैं आपको बता दूं। दूसरा क्वेश्चन पूछने वाले हैं मनस दास, आप कहते हैं क्या इच अदर और वन अनदर में कोई फर्क है या नहीं। तो आइए फ्रेंड इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले से ही मौजूद होना या बिना किसी विरोध के या बिना किसी खिलाफ के होना। लगता है आप समझे नहीं, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को अच्छा से समझ सकें। अगर आपको कहना हो वह बिना किसी खिलाफत के या बिना किसी विरोध के चेयरमैन बन गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही बिकेम चेयरमैन बाय डिफॉल्ट, यानी वह बिना किसी विरोध के चेयरमैन बन गया। वह बिना किसी विरोध के प्रधानमंत्री बन गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर बाय डिफॉल्ट, यानी वह बिना किसी विरोध के या बिना किसी खिलाफत के वह प्रधानमंत्री बन गया। तो फ्रेंड्स आपने सीखा कि बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है बिना किसी खिलाफत के या बिना किसी विरोध के। बाय डिफॉल्ट का एक और मतलब होता है वो है पहले से ही मौजूद होना। जैसे अगर आपको कहना हो कि फेसबुक और व्हाट्सएप पहले से ही मेरे मोबाइल में मौजूद हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फेसबुक एंड व्हाट्सएप आर बाय डिफॉल्ट इन माय मोबाइल, यानी मेरे मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप पहले से ही मौजूद हैं या बाय डिफॉल्ट मौजूद हैं या आप रूपी मौजूद हैं। अगर आपको कहना हो कि यह सेटिंग मेरे मोबाइल में पहले से ही मौजूद है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस सेटिंग इज बाय डिफॉल्ट इन माय मोबाइल, यानी यह सेटिंग मेरे मोबाइल में पहले से ही मौजूद है या शुरुआत से ही मौजूद है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि बाय डिफॉल्ट का एक मतलब होता है पहले से ही मौजूद होना या शुरुआत से ही मौजूद होना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको बाय डिफॉल्ट का मतलब समझ में आया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इच अदर और वन अनदर में क्या फर्क है। तो यहाँ मैं कहूंगा दोनों का मीनिंग सेम होता है, यानी दोनों का मीनिंग होता है आपस में, लेकिन वर्ड इच अदर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बात दो लोगों के बीच में हो रही हो, और वही दूसरी तरफ वन अनदर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बात दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो रही हो। यानी जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो आप आपस में के लिए बोलेंगे इच अदर, लेकिन जब दो से ज्यादा लोग आपस में बात कर रहे हैं तो यहाँ आप कहेंगे वन अनदर। आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर मुझे कहना हो ईना और मीना आपस में बातें कर रही हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ईना एंड मीना आर टॉकिंग इच अदर। लेकिन अगर आपको कहना हो कि बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मेनी पीपल आर टॉकिंग वन अनदर। या अगर आपको कहना हो कि ईना मीना डीका रीका आपस में बातें कर रही हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ईना मीना डीका एंड रीका आर टॉकिंग वन अनदर, यानी ये चारों लोग आपस में बातें कर रही हैं। दो लोग आपस में लड़ रहे थे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टू पीपल वर फाइटिंग ईच अदर। लेकिन अगर आपको कहना हो कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सम पीपल वर फाइटिंग वन अनदर, यानी कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि बाय डिफॉल्ट क्या है और इच अदर और वन अनदर में क्या फर्क है। फ्रेंड्स यह मैं आपको बता दूं कि ऐसे सैकड़ों टॉपिक जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे जल्द करें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।